दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी में। और आज हम BTC सेकंड सेमेस्टर के लिए एक महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं, जिसमें हमारा आज का सब्जेक्ट है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फ्रेंड्स ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि BTC सेकंड सेमेस्टर की भी तैयारी हमारे YouTube चैनल पर सबसे पहले शुरू हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, जल्दी से जुड़ जाइएगा और वीडियो का अंत तक देखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, शिक्षा है, फ्रेंड्स चार ऑप्शन आपके सामने हैं, एक पुस्तक, वस्तु, व्यवसाय, ऑप्शन नंबर डी ज्ञान अथवा तथा अनुभव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ज्ञान तथा अनुभव। दूसरा क्वेश्चन है, शिक्षा का अर्थ है, चार ऑप्शन आपके सामने फ्रेंड्स, विद्यालय जाना, विद्यालय में दिया जाने वाला ज्ञान, बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास, विद्यालय बनाना। तो फ्रेंड्स, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि शिक्षा का अर्थ है बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रॉस ने शिक्षा को क्या माना है? चार ऑप्शन आपके सामने है फ्रेंड्स, समांतर क्रिया, द्विमुखी प्रक्रिया, त्रिमुखी प्रक्रिया, और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर तीन का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर तीन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्विमुखी प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना है? तो फ्रेंड्स, ए ऑप्शन है एडम्स, बी ऑप्शन है डीवी जॉन डीवी, सी ऑप्शन है रॉस, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, रॉस का ऑप्शन तो यहाँ से पहले ही कट जाता है, क्योंकि रॉस ने कितनी क्या माना है शिक्षा को? द्विमुखी प्रक्रिया, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा हुआ है? त्रिमुखी। तो इसका यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर चार का? तो यहाँ पे फ्रेंड्स सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जॉन डीवी। जॉन डीवी ने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का उद्देश्य है? ऑप्शन ए सर्वांगीण विकास, ऑप्शन बी उत्साहवर्धन, ऑप्शन सी सांस्कृतिक हस्तांतरण, और ऑप्शन डी ये सभी। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ये सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्लूटो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है शारीरिक विकास करना, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना, चरित्र निर्माण करना, और ऑप्शन डी है जीविकोपार्जन करना। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर छः का, ये आपको बताना है। तो चेक कर लीजिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सी का जो सॉरी क्वेश्चन नंबर छः का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी चरित्र का निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवन नंबर, निम्न में से कौन सा एक नियमित शिक्षा के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए पाठ्यक्रम, ऑप्शन बी समाज, ऑप्शन सी समुदाय, और ऑप्शन नंबर डी राज्य। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ये तो कोई इतना ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी पाठ्यक्रम, क्योंकि फ्रेंड्स शिक्षा के लिए सबसे ज़्यादा क्या जरूरी है? पाठ्यक्रम। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता? ऑप्शन ए स्कूल, ऑप्शन बी पुस्तकालय, ऑप्शन सी धर्म, और ऑप्शन डी शिक्षण विधि। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कौन सा सही आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी धर्म, क्योंकि फ्रेंड्स धर्म शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि ये एकदम बिल्कुल अलग हटके हो गया शिक्षा से, धर्म का शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे जो शिक्षा के अंतर्गत आते हैं स्कूल, पुस्तकालय और शिक्षण विधि तीनों हैं, लेकिन इसमें नहीं पूछा है तो नहीं क्या हो जाएगा? धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर शिक्षा का दूसरा नाम है? ऑप्शन ए पत्राचार, ऑप्शन बी गृह अध्ययन, ऑप्शन नंबर सी स्वतंत्र अध्ययन, और ऑप्शन नंबर डी ये सभी। नाइन का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10, सुदूर शिक्षा के लिए किसके लिए आवश्यक है? सुदूर शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए राष्ट्र की प्रगति के लिए, ऑप्शन बी ज्ञान को अद्यतन करने के लिए, और ऑप्शन नंबर सी
पत्राचार पाठ्यक्रम के सुधारों के लिए, और ऑप्शन डी इन सभी के लिए। तो फ्रेंड्स इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 में ऑप्शन नंबर डी इन सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी सुदूर शिक्षा प्रणाली की विशेषता है। ऑप्शन ए शिक्षक छात्र विभेद, ऑप्शन बी कार्यक्रम विभेद, ऑप्शन सी व्यक्तिगत अध्ययन, और ऑप्शन डी ये सभी। तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का, तो यानी ये सभी वाला जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ये यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो फ्रेंड्स लाइक करना ना भूलें, क्योंकि BTC सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर कराई जा रही है, तो जुड़ जाइएगा फ्रेंड्स साथ में और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, वैदिक काल में शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी। ऑप्शन ए गुरु द्वारा, ऑप्शन बी राजाओं के द्वारा, ऑप्शन सी मंत्रियों के द्वारा, और ऑप्शन डी राज्य द्वारा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वैदिक काल में फ्रेंड्स सभी को पता है पुराने जो जमाना था उसमें क्या करते थे, गुरु के आश्रम में रहते थे, यानी तो शिक्षा की व्यवस्था कौन करता था, गुरु करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, गुरुओं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक काल में प्रारंभिक शिक्षा कहाँ होती थी। ऑप्शन ए विद्यालयों में, ऑप्शन बी गुरुकुलों में, ऑप्शन सी वनों में, और ऑप्शन डी मदरसों में। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका 13 का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी गुरुकुलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक कालीन शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार था। तो चार ऑप्शन आपके सामने फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उपनयन संस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15, उपनयन संस्कार किया जाता था। ऑप्शन ए सभी जातियों के बालकों का, केवल ब्राह्मण बालकों का, वैश्य जाति के बालकों का, और ऑप्शन डी क्षत्रिय जाति के बालकों का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स उपनयन संस्कार सभी जातियों के बालकों का किया जाता था शिक्षा देने से पहले। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि BTC सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी हमारे यूट्यूब पर चैनल पर बिल्कुल अच्छे तरीके से शुरू हो चुकी है, और ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 है आज का, प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली को किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए वैदिक शिक्षा प्रणाली, ऑप्शन बी गुरुकुल प्रणाली, ऑप्शन सी भारतीय शिक्षा प्रणाली, और ऑप्शन नंबर डी धार्मिक शिक्षा। तो फ्रेंड्स 16 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी गुरुकुल प्रणाली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में किस शिक्षण विधि को अपनाया जाता था। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन चारों में से ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में शिक्षण विधि में जो विधि अपनाई जाती थी वो थी मौखिक विधि, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 17 का बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली में स्त्री शिक्षा की क्या स्थिति थी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपको बताना है फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्त्री शिक्षा को समुचित महत्व दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में बालक के द्वारा शिक्षा प्रारंभ किए जाने पर कौन सा संस्कार किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए उपसंपदा संस्कार, ऑप्शन नंबर बी यज्ञोपवीत संस्कार, ऑप्शन नंबर सी प्रव्रज संस्कार, और ऑप्शन नंबर डी ये सभी संस्कार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 19 का, तो फ्रेंड्स यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रव्रज संस्कार, जो बच्चों का या बालकों का किया जाता था शिक्षा प्रारंभ किए जाने से पहले। तो यहाँ पे 19 का ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में शिक्षा कितने स्तर में विभाजित थी। चार ऑप्शन आपके सामने फ्रेंड्स, 2, 4, 6, 8। तो इसमें कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो देखते हैं किसका सही है।
यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। वैदिक काल में शिक्षा को दो स्तरों में विभाजित किया गया था, यानी उस समय पे शिक्षा दो स्तरों में विभाजित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धकालीन शिक्षा के मुख्य केंद्र थे। ऑप्शन ए सारनाथ, बी बोधगया, सी नालंदा तथा तक्षशिला, और ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। तो 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बौद्धकालीन शिक्षा में आपको पता ही है बौद्ध के संबंधित क्या हैं, नालंदा और तक्षशिला। यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावर्तन संस्कार किस आयु में किया जाता था? क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसके जो ऑप्शन हैं वो नीचे हैं, तो अच्छे से देख लीजिएगा क्वेश्चन को एक बार। समावर्तन संस्कार किस आयु में किया जाता था? ऑप्शन नंबर ए 15 वर्ष की आयु में, ऑप्शन नंबर बी 20 वर्ष की आयु में, ऑप्शन नंबर सी 25 वर्ष की आयु में, और ऑप्शन नंबर डी 30 वर्ष की आयु में। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 25 वर्ष की आयु में। तो देख लीजिएगा फ्रेंड्स अच्छे से, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी 25 वर्ष की आयु में उनका संस्कार होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23, समावर्तन संस्कार किया जाता था। ऑप्शन नंबर ए शिक्षा पूर्ण कर लेने पर, ऑप्शन नंबर बी विद्या आरंभ करने से पहले, ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष की आयु में, और ऑप्शन नंबर डी 15 वर्ष की आयु में। तो 23 का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स सही वाला, वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जिन्हें नहीं पता वो अच्छे से चेक कर लीजिए, पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे जो हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर ए शिक्षा पूर्ण कर लेने पर, यानी ऑप्शन नंबर ए है इस क्वेश्चन का सही आंसर है, शिक्षा पूर्ण कर लेने पर समावर्तन संस्कार किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारतीय शिक्षा को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए विदेशी शिक्षा के रूप में, ऑप्शन नंबर बी मुस्लिम कालीन शिक्षा के रूप में, ऑप्शन नंबर सी भौतिक शिक्षा के रूप में, और ऑप्शन नंबर डी अनावश्यक शिक्षा के रूप में। तो 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये आपको बताना है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी मुस्लिम कालीन शिक्षा के रूप में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 25 नंबर, मध्यकालीन भारतीय शिक्षा के माध्यम क्या थे? ऑप्शन नंबर ए विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी प्राथमिक विद्यालय, ऑप्शन नंबर सी मदरसे तथा मकतब, और ऑप्शन नंबर डी सराय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी मदरसे तथा मकतब। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो बता दीजिएगा कि आज की हमारी वीडियो कैसी लगी, और कमेंट करना ना भूलें फ्रेंड्स। और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि BTC सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी भी हमारे यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट हो गई है। तो जल्दी से जुड़ जाइएगा फ्रेंड्स, और वीडियो कैसी लगी ये तो बताना ही है, और साथ में वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।